अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए कि आज की 12 राशियां कैसी हैं, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसको विदेश जाना है, किसको माता पिता का सुख मिलेगा, किसको रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपको सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आप महान उन्नत करेंगे, सावधानी क्या बरतना, उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपका दिन सर्वोत्तम चल रहा है। अपने समय का सदुपयोग करिए, अनेक प्रकार के अवसर मिलने का प्रबल योग बन रहा है। सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, चारों तरफ से धन लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको टेंशन में रहने की संभावना बन रही है। यह स्पर्ध प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, नए तरह के कार्य होंगे, भूमि भवन खरीद सकते हैं, सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। सावधानी क्या बरतें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, उपाय क्या करें, हनुमान जी की आराधना करें, ओम घृणी सूर्यान इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको धन की स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, लाभ होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, आय से ज्यादा व्यय होने का भी योग बन रहा है, तो थोड़ी चिंता की स्थिति बनी रहेगी। सावधानी क्या बरतने, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर के अपना कार्य करें, उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र का दान करें और चांदी का चंदवा बना करके प्रवाहित नदी में उसको प्रवाह करिए। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि की जातक है, ध्यान रखना है कि आप बहुत ही सरल है, सहज है, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आप बहुत अस्पष्टवादी हैं, तीखा बोलने से परहेज नहीं करते, इससे आपके शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए अस्पष्टवादिता पर नियंत्रण करना आपके लिए हितकर रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, समस्याओं का समाधान होगा, नए तरह के कार्य होंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है। सावधानी क्या बरतनी, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव न सोचें। उपाय क्या करना, हरा चारा या हरा मटर गाय को खिलाना आपके लिए बेहतर होगा। अपनी बहन को हरे रंग का वस्त्र उपहार दें, आपके लिए बेहतर होगा। और आज आपको क्या करना है कि आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि की जाता है कि आज आप एकाग्र होकर के अपना कार्य करिए, प्लानिंग करिए और प्लान को इम्प्लीमेंट करिए। विद्या में बढ़ोतरी होगी और विद्या से धनागम होने का योग बन रहा है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। शत्रु और रोग परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, महान उन्नत करेंगे, भाई बहनों के लिए दिन अच्छा है, कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, आयात निर्यात से धन मिलेगा, आपका विजन और आइडिया इम्प्लीमेंट होगा और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, न तो किसी को तनाव दें, न तो किसी से तनाव लें। उपाय क्या करना है, किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को दूध पिलाएं और उसको वस्त्र दान करना आपके लिए हितकर रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं हो रहा था, खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा, अगर कोई भाई बहन अविवाहित है तो उनका विवाह हो सकता है और कई महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना बन रही है। सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, टेक्निकल फील्ड में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतें, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। उपाय क्या करना, दाल भरी पूड़ी गौशाला में दान करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि की जातक हैं, आज आपके आय के संसाधनों बढ़ोतरी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, विद्या से धन लाभ होगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से धन अर्जित करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतें, अपनी योजना को गुप्त रखें। उपाय क्या करें, हरा वस्त्र या हरा चारा दान करें और गौशाला में हरा मटर गाय को जरूर खिलावें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है हल्का आसमानी, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपकी प्रगति जोरदार होगी, नए तरह के कार्य होंगे, सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, घर बनाने का योग बन रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, माता पिता का सुख मिलेगा, न्यायालय से आज आपको लाभ मिलेगा, माली हालत में सुधार होगा, कई प्रॉपर्टी तहत खरीद सकते हैं, रोग और तनाव समाप्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, बच्चों के टेरिटरी में दखलंदाजी न करिए। और आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आपके लिए जरूरी है, फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आय और व्यय पर नियंत्रण रखें,
उपाय क्या करना, मोती या सफ़ेद वस्तु जरूर दान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि की जातक हैं, आज का दिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपका बहुत अच्छा था। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, निर्माण और कंस्ट्रक्शन के चीज़ों में धन खर्च होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, दिल के बजाय दिमाग की बात सुने। घर बनाने का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी तत्व खरीद सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होते हुए दिख रहा है। भूमि होन और संतान से लाभ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और सावधानी क्या बरतें, लेन देन करने से बचें। उपाय क्या करना, श्री हनुमान जी की आराधना करें, चोला इनको अर्पित करें और सम्मी का पत्ता भगवान शनिदेव को स्मरण करते हुए उनको अर्पित करिए। ओम संघ सनश्चरान इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विकास होगा। खान पान पर नियंत्रण करें, ओवर ईटिंग करने से बचें। परिस्थितियाँ अनुकूल है, परिस्थिति का लाभ उठाइए और माता पिता का सुख मिलेगा। कुछ आपके इनकम की जरिया में बढ़ोतरी होगी, नए तरह के कार्य होंगे, परेशानियाँ दूर होंगी, लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी और मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिस्थितियाँ अनुकूल है, देश विदेश जा सकते हैं, खेल के क्षेत्र से लाभ मिलेगा और अगर आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपका इम्प्लीमेंट होगा। नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाएं, विवादों से बचें। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र दान करें और गाय को चने भरी पूड़ी खिलाना न भूलें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है पीला, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके आलस्य का परित्याग करें, विवादों से बचें, किसी कंट्रोवर्सी में न पड़ें। भूमि भवन खरीदने का नया रास्ता मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और प्रगति होगा, संतान लाभ हो सकता है, यात्रा तीर्थाटन दिठासन से लाभ होगा। यदि आप तीर्थाटन करते हैं, देशाटन करते हैं, यात्रा करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, पुराने मित्र मिलेंगे, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा और किसी बड़े अधिकारी के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। अपने अतिंद्रिय ज्ञान की बात माने और बृहस्पति की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, मुकदमे इत्यादि से बचें। उपाय क्या करना, काला तेल दान करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और सम्मी के पत्ते को समर्पित करना अच्छा रहेगा। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट या ओम संघ सनश्चरान इस मंत्र से आप जरूर पूजा करिए शनिदेव की, इससे शनिदेव खुश होंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफ़ेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिए हुए हैं, लाभ मिलने का योग बन रहा है, परेशानियां दूर होंगी और आपके संकट खत्म हो गए, आत्मबल में वृद्धि होगी, नए प्रकार के कार्यों से लाभ मिलेगा, नेत्र पीड़ा होने की संभावना बन रही है, सरकार और सरकार से लाभ मिलेगा। साझेदारी में व्यापार करने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पिता का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, पत्नी को सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, माली हालत अच्छी होगी और आयात निर्यात से धन मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा और आज क्या करें कि शनिदेव की आराधना करिए, सरसों के तेल दान करिए। आपको सावधानी क्या बरतें, साझेदारी में व्यापार करने से बचें। उपाय क्या करना है, काली गाय को चारा खिलावें और आज आप सम्मी का पत्ता शनिदेव को अर्पित करें, इससे आपको धन लाभ मिलेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको यात्रा से लाभ होगा, यात्रा आपका मंगलकारी होगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगा, संततियों का सुख मिलेगा, नौकरी में आज आपका पदोन्नत होगा और आज आपके कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, पिता का सुख मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, हेल्थ में सुधार होगा और परेशानियां दूर होंगी। खान पान पर नियंत्रण रखें, मंदिर इत्यादि का निर्माण करा सकते हैं, अपने इंट्यूशन की बात मानिए और पढ़ाई लिखाई को मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बहुत जरूरी है। सावधानी क्या बरतनी, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट ना होइए। उपाय क्या करना, पीला वस्त्र किसी सुहागर महिला को दान करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके लिए जन्मदिन बहुत शानदार है, आपकी माली हालत अच्छी होगी, रियल इस्टेट माइंस प्रॉपर्टी से धन लाभ मिलेगा, शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, संघर्ष आपका समाप्त होगा, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, उत्तरोत्तर विकास होगा। भाग्य गुरु कार्यक्रम में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल आपसे इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।